सो so, मेरे पास ई e कॉमर्स का सोलूशंस है ठीक है ना आज जो एग्जाम हुआ था तो मेरे पास पेपर आया था तो मैंने सोल्यूशन बनाया है तो आप लोग चेक कर लो मैं क्वेश्चन बोल के सोल्यूशन बताऊंगा ठीक है ना ऐसा नहीं कि, कि आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा वैसा भी नहीं करूंगा आपको क्वेश्चन बोलूंगा लेकिन क्या क्वेश्चन पेपर का फोटो इतना हेजी आता फिर मैं अपलोड करूंगा तो आप लोग कुछ समझ में नहीं आएगा इसलिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे आंसर लिखाऊँ और क्वेश्चन बोल के आपको बताऊंगा ठीक है ना और एक दो क्वेश्चन में अगर कॉन्ट्राडिक्ट्री आंसर आपका होता है तो आप कमेंट बताना क्योंकि होता है ना एक एक क्वेश्चन कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं अलग अलग जगह अलग अलग आंसर आता है तो एक दो कॉन्ट्राडिक्ट्री होगा ही बट जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा मैं बताऊंगा ठीक है ना फिर भी कुछ कॉन्ट्राडिक्टी हो तो आप मैसेज करना तो मैं उसे चेंज कर, कर दूंगा ठीक तो है तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप वन का एक क्वेश्चन था सबसे पहला कोई भी क्योंकि सेट अलग अलग होता है तो क्वेश्चन नंबर अलग हो सकता है ना क्वेश्चन मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ पहले एक क्वेश्चन था द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन इज इसका आंसर होगा ऑप्शन सी था इसका आंसर गैप एनालिसिस ठीक है ना एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर टू एन इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ इसका होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस मटेरियल इनटू इंटरमीडिएट ठीक है एक क्वेश्चन था व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इसमें ई e कॉमर्स का डेफिनेशन था तो वो होगा ऑप्शन नंबर तुम्हारा होगा बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस ओवर इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क इज ई कॉमर्स इज कॉल्ड इ कॉमर्स यह तुम्हारा ऑप्शन था शायद बी था ठीक है ना क्वेश्चन नंबर एक फोर था द डाउन स्ट्रीम पार्ट ऑफ सप्लाई चेन इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इनका आंसर होगा डिलीवरिंग प्रोडक्ट टू फाइनल कंज्यूमर ऑप्शन नंबर था डी क्वेश्चन नंबर फाइव था डैश ऑर्गेनाइज डिजिटल प्रोडक्ट एंड ऑफर डिजिटल इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ विडियो टेक्स्ट वगैरह वगैरह विच आर प्रोवाइडेड इन द इंटरनेट इसका होगा कंटेक्स प्रोवाइडर क्वेश्चन नंबर सिक्स था डीएस का फुल फॉर्म इसका डीएस का बहुत जगह आपको मिलेगा डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड लेकिन इसका आंसर होगा डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड ठीक है ना डीएस का क्वेश्चन नंबर सेवन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट ब्रिंग्स मोर इसका आंसर होगा ट्रांसपेरेंसी इन द ऑपरेशन बिकॉज इट अलाउ डाटा एक्सेसिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग कोई क्वेश्चन में अगर कॉन्ट्रोडिक्टी आंसर है आपने कुछ और देखा है मेरा आंसर कुछ और होगा तो आप कमेंट में डेफिनेटली बताना मैं क्वेरी सॉल्व कर दूंगा ठीक है ना एक क्वेश्चन था द मेजर एक्टिविटी इन द अपस्ट्रीम सप्लाई चेन इज प्रोक्योरमेंट ठीक है ना ऑप्शन नंबर बी डैश मॉडल ऑफ ई कॉमर्स रिफर्स टू एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हु सेल्स देयर प्रोडक्ट टू द एंड यूजर इसका आंसर होगा बी टू सी बी टू सी अब जो भी ऑप्शन होगा बी टू सी आंसर है ठीक है ना एक था क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स थ्रेड कैन ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉड था साइबर फॉर्जरी था और हैकिंग था ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर ठीक है ऑल ऑफ दिस कैन ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ द पीपल ठीक है अब आते हैं ग्रुप बी ग्रुप बी में एक क्वेश्चन था द डैश एंड डैश था मैनेज द सप्लायर रिटेंशन मॉनिटर द वेंडर एक्टिविटीज एंड मैनेज द सप्लायर क्वालिटी इन ऑर्गेनाइजेशन दो डैश था तो एक एक में होगा सप्लायर मैनेजमेंट एक में होगा कंट्रोल प्रोसेस ये ऑप्शन प्रोबेबली आपका ऑप्शन नंबर बी था क्वेश्चन नंबर टू था इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन डैश प्लेज अ वाइटर रोल इन ऑथराइजिंग पेमेंट बिटवीन वर्क मर्चेंट्स एंड कस्टमर इसका होगा पेमेंट ई पेमेंट सॉरी ई पेमेंट होगा इसका आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री आपका था डैश इज एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ राइट एंड ओनरशिप बाय यूजिंग टू यूज एंड गुड्स एंड सर्विस विच इज इनिशिएटेड बाय वायरलेस हैंडल डिवाइसेज टू कंप्यूटर मीडिएटेड नेटवर्क इसका आंसर होगा ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन क्वेश्चन नंबर फोर एक्चुअली बहुत हेजी आया तो, तो जो बेटर आंसर हमको लगा वही है बट क्वेश्चन नंबर फोर अगर डिफर कर सकता है क्या था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ सीबीएस इसका आंसर होगा बेटर फंड मैनेजमेंट सीबीएस प्रोवाइड बेटर फंड मैनेजमेंट ठीक है ना क्वेश्चन नंबर फाइव क्या फाइव स्विफ्ट का ये था तुम्हारा फुल फॉर्म था इसका आंसर होगा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकोम्युनिकेशन जिसमें इंटर बैंक था इंटर बैंक एक ही में है ऑप्शन नंबर आपका बी में है वही होगा आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स था इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डैश इज इट्स एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी डेट अलाउ कंपनी टू शेयर एंड ऑपरेट सिस्टम फॉर ऑर्डर प्रोसेसिंग इसका आंसर होगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑप्शन नंबर सी था क्वेश्चन नंबर सेवन था डैश इज एन ई एनेबल ई एनेबल इलेक्ट्रॉनिक एनेबल कंप्रसिव स्ट्रेटेजी एंड प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग जिसमें कस्टमर टू क्रिएट सुपीरियर वैल्यू फॉर द कंपनी था इसका आंसर होगा ई सीआरएम जो की इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होगा क्वेश्चन नंबर एट था मिनिमम लिमिट ऑफ आरटीजीएस एंड एनई एफटी इसका आंसर होगा आरटीजीएस का मिनिमम लिमिट था दो लाख और एनई एफटी का था नो मिनिमम लिमिट ठीक है ना तो पहले दो लाख था फिर नो मिनिमम लिमिट जो ऑप्शन नंबर आपका ए था क्वेश्चन नंबर नाइन था विच द प्रोसेस थ्रू विद मैसेज अल्टर सो डेट देयर मीनिंग रिमेन हिडन फ्रॉम दोज माइट इंटरसेप्ट देम नोन एज क्रिप्टोग्राफी क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर क्वेश्चन नंबर टेन आपका था क्वेश्चन नंबर टेन था विच इफ द एज द प्रोसेस बिकम मोर ऑटोमेटेड एंड एफिशिएंट तो इसका आंसर होगा बेस्ट टू ट्रीट ईआरपी एज एन इन्वेस्टेड इन्वेस्टमेंट एज वेल एज कॉस्ट

क्वेश्चन नंबर थर्टीन था डे इंप्रूव द द इंक्रीज ऑफ ऑर्डर वॉल्यूम आइदर बाय द सेल्स ऑफ मोर यूनिट्स ऑफ द सेम परचेज आइटम इसका आंसर होगा अप सेलिंग होगा ऑप्शन नंबर डी था क्वेश्चन नंबर था जिसका आंसर डिजिटल सर्टिफिकेट होगा इसका क्वेश्चन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा बट थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्योंकि बहुत हेजी था वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक फाइल एट यूनिकली आइडेंटिफाइज इंडिविजुअल इन वेबसाइट ऑन द इंटरनेट दट एनहेंस सिक्योर कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन इसका डिजिटल सर्टिफिकेट होगा लास्ट सप्लाई चेन रीचेज कस्टमर इन अ फास्ट एंड कॉस्ट एफिशियंट मैनर ठीक है ना ये सारा ऑप्शन था बेटर आंसर था अगर आपका कोई भी क्वेश्चन में मतलब कॉन्ट्राडिक्ट्री आंसर हो कि भैया ये वाला नहीं होगा वो नहीं होगा हो सकता है ठीक है ना तो आप कमेंट में मुझे डेफिनेटली बताना अगर कुछ करेक्शन मेरे तरफ से होगा तो मैं डेफिनेटली कर दूंगा नहीं होगा अगर आपका गलत होगा तो मैं डेफिनेटली आपको ये कर दूंगा मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा क्या गलत है कहां से क्या है ठीक है ना सो थैंक यू सो मच और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना जरूर थैंक यू सो मच